Hello friends, welcome to SoftTech Campus channel. Today we are going to take a presentation about the stack data structure. मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं एक वीडियो बनाने जाऊंगा, मैं वीडियो बनाऊंगा एक जिसमें मैं प्रेजेंटेशन के थ्रू डाटा स्ट्रक्चर स्टैक के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए स्टैक डाटा स्ट्रक्चर के कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको मैंने इंडेक्स्ड किया है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टैक डाटा स्ट्रक्चर को देखेंगे, उसके बाद उसकी कंपैरिजंस को देखेंगे कि स्टैक डाटा स्ट्रक्चर के जो कंपटीटर हैं जैसे क्यू डाटा स्ट्रक्चर, उससे हम लोग कंपेयर करके देखेंगे कि स्टैक में और क्यू में क्या डिफरेंसेस हैं। उसके बाद ऑपरेशंस, व्हाट आर द ऑपरेशंस रिलेटेड टू द स्टैक डाटा स्ट्रक्चर्स, उसको हम लोग देखेंगे। और इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे कि स्टैक डाटा स्ट्रक्चर को हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं स्टैक डाटा स्ट्रक्चर की इंट्रोडक्शन। सबसे पहली बात, इट इज़ एन वन इंडेड डेटा स्ट्रक्चर। इसका मतलब मैंने एक बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया था आप लोगों को कि स्टैक डाटा स्ट्रक्चर में एक ही इंड होती है जहाँ से आप डेटा को डाल सकते हैं और वहीं से निकाल सकते हैं, ठीक है। वेयर डेटा आर इंसर्टेड एंड रिमूव्ड फ्रॉम द सिंगल इंड नॉन एज टॉप, और उस इंड को हम लोग टॉप कहते हैं। दूसरी बात, डेटा इंसर्शन इन ए स्टैक डेटा स्ट्रक्चर इज नॉन एज पुश बिकॉज इट पुशेस द प्रीवियस डेटा डाउनवर्ड। हम देखेंगे आगे चल के इस प्रेजेंटेशन में कि डेटा को जब हम इंसर्ट करते हैं स्टैक में तो वो अपने अगले डेटा को, अपने उससे पहले जो डाला हुआ डेटा है उसको वो नीचे की ओर पुश करता है। इसलिए इंसर्शन प्रोसेस इन स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को हम लोग पुश ऑपरेशन का नाम देंगे। तीसरी बात, जो डेटा रिमूवल इन ए स्टैक डाटा स्ट्रक्चर इज नॉन एज पॉप बिकॉज इट पॉप्स द नेक्स्ट डेटा विच कम आफ्टर द पॉप एलिमेंट्स। अगला, स्टैक के बेसिक जो रियल वर्ल्ड मीनिंग है स्टैक के, उसको एक पिक्चर के थ्रू देखने की कोशिश कीजिए। देखिए दोस्तों, ये स्टैक ऑफ प्लेट्स हैं और ये स्टैक ऑफ कार्ड्स हैं। अगर आप ध्यान से देखिए, अगर मुझे कोई नया एलिमेंट इसके ऊपर डालना है कार्ड्स, तो वो जो सबसे टॉप पे अभी दिखाई दे रहा है आपको, उसके ऊपर ही कोई नया एलिमेंट पुश होगा। और उसी तरह से अगर हमारे पास स्टैक ऑफ प्लेट्स हैं तो इसके ऊपर अगर कोई नया प्लेट हमें इस पर डालना है तो ये यहाँ पर डाल सकते हैं। बीच में कोई भी नया इंसर्शन एलिमेंट नहीं हो सकता है। ये स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का रियल मीनिंग है जो हम लोग देख रहे हैं एक पिक्चर के थ्रू। चलिए इसके आगे, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का जो ऑपरेशन है, जैसे कि देखिए हम यहाँ पे पुश कर रहे हैं, सबसे लास्ट में जो डेटा पुश होती है वो सबसे पहले पॉप होती है, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट का ऑपरेशन यहाँ पे स्टैक डाटा स्ट्रक्चर में हो रहा है। आप देख सकते हैं जब पुश ऑपरेशन करते हैं तो कोई भी एलिमेंट हमेशा टॉप की ओर आ रहा है, जो इससे पीछे भी हमने थ्योरेटिकली देखा है उसी को पिक्टोरियल रूप से देखने की कोशिश कर रहे हैं। और जब डेटा को पॉप करते हैं यानी डिलीट करते हैं तो वो टॉप से ही डेटा एलिमेंट हमारा डिलीट होता है। नाउ व्हाट आर द स्टैक ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले जो स्टैक की ऑब्जेक्टिव्स है, देर आर टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टैक्स। फर्स्ट इज फिलो, दैट इज फर्स्ट इन लास्ट आउट, हम लोग देखे भी हैं। और दूसरा ऑब्जेक्टिव है लास्ट इन फर्स्ट आउट। कंक्लूजन में हम कह सकते हैं वी यूज स्टैक वेयर वी नीड डेटा इन फर्स्ट इन लास्ट आउट मैनर, यानी जो डेटा पहले डालें और अंत में निकले, लास्ट में निकले, तो उस जगह हम लोग स्टैक को यूज़ करेंगे। इसका मतलब होता है विच डेटा विल बी इंसर्टेड फर्स्ट दैट विल बी रिमूव्ड दैट विल बी आउट इन लास्ट, सबसे अंत में वो लास्ट में रिमूव होगा। सिमिलरली विच डेटा विल बी इंसर्टेड इन लास्ट, उसी तरीके से जैसे जो डेटा सबसे लास्ट में डाला जाएगा, टॉप पे रहेगा वो, दैट विल बी आउट इन फर्स्ट, और वो सबसे पहले निकलेगा। यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो ये हमारे पास दो ऑब्जेक्टिव्स है स्टैक के, इसको हमें याद रखना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा। जब हम स्टैक को इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये दोनों आउटपुट, ये दोनों ऑब्जेक्टिव्स हमारी फुलफिल होनी चाहिए, तब हम कहेंगे कि हमारा स्टैक जो डाटा स्ट्रक्चर है वो फुल्ली इम्प्लीमेंट हुआ। एक एग्जाम्पल के थ्रू देखिए दोस्तों,
यहाँ पे हमने इनपुट लिया है 11, 22, 12, 22, 22, 23, 33 एंड 44, 44 एंड 55, 55। ये हमारा इनपुट एलिमेंट्स है। लेकिन जब हम इसे निकालेंगे, जब हम इसे स्टैक से निकालेंगे, तो सबसे पहले हमारा 55 निकलेगा, क्योंकि ये 55 सबसे लास्ट में डाला गया है, वो सबसे पहले निकल रहा है, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। उसी तरीके से 1111 जो हमारा सबसे पहला एलिमेंट डाला गया था, वो सबसे लास्ट में निकल रहा है, यानी कि फर्स्ट इन और लास्ट आउट, ये ऑब्जेक्टिव है स्टैक की, ये इसका प्रॉपर्टी है, ये इस तरीके से काम करती है। दूसरी बात, अगर कंपैरिजन देखें हम लोग बेसिक्स फर्स्ट कंपैरिजन्स में, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है स्टैक का, लिफो यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट काम करती है। वहीं पे क्यू जो हमारी है, जो नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर में क्यू के लिए अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप देखेंगे कि वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो पहले क्यू में आता है एलिमेंट, वो पहले रिमूव होती है। स्ट्रक्चर की बात करें तो सेम इंड इज़ यूज टू इंसर्ट एंड डिलीट एलिमेंट्स। स्टैक में एक ही इंड होती है टॉप, जहाँ से हम डेटा को इंसर्ट भी करते हैं और डेटा को डिलीट भी करते हैं। इन अदर हैंड क्यू के पास दो इंड होती है, वन इंड यूज फॉर इंसर्शन, जिसको हम लोग रेयर इंड कहते हैं, और दूसरा अनदर इंड इज यूज फॉर डिलीशन ऑफ एलिमेंट, जिसको हम लोग फ्रंट इंड कहते हैं, यानी डेटा जो भी डिलीट होगी वो फ्रंट इंड से होगी, और जो डेटा नया डाटा इंसर्ट होगा वो रेयर इंड से डेटा इंसर्ट होती है। नंबर ऑफ पॉइंटर्स यूज, स्टैक में एक ही पॉइंटर यूज होता है फॉर द टॉप, और क्यू में दो पॉइंटर्स यूज करते हैं, वन फॉर फ्रंट एंड अनदर फॉर रेयर। ऑपरेशंस परफॉर्म्ड, स्टैक में दो ऑपरेशंस होते हैं, पुश फॉर इंसर्शन एंड पॉप फॉर रिमूवल। उसी तरह से क्यू में इंसर्शन क्यू एंड डिलीशन क्यू, दो ऑपरेशन होते हैं, इंसर्शन फॉर द डेटा इंसर्शन एंड डिलीशन डी क्यू फॉर द डेटा डिलीशन। एग्जामिनेशन ऑफ एम्प्टी कंडीशन, अगर हम देखना चाहें एरे की इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू, तो टॉप इजकल टू -1 अगर इंडेक्स है, इसका मतलब हमारा स्टैक एम्प्टी है। अगर क्यू में हम लोग चेक करें तो फ्रंट इजकल टू -1 एंड फ्रंट इजकल टू रेयर, फ्रंट इजकल टू रेयर +1, ये हमारा डेटा एम्प्टी यानी क्यू एम्प्टी का कंडीशंस होगा दोस्तों। नेक्स्ट पेज में हम लोग देखने की कोशिश करें कि ऑपरेशंस, पुश ऑपरेशंस कैसे हो रहा है। आप देखिए यहाँ पे एक स्टैक हमने लिया है, जिसमें डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में हम डाल रहे हैं। सबसे पहले हमने ए डाला था, उसके बाद जब बी डाला तो ए नीचे और बी उसके ऊपर आ गया, उसके बाद सी डाला, फिर डी डाला, अब हम लास्ट में ई डाल रहे हैं। इस पिक्चर के अकॉर्डिंग जब हम लोग ई डालते हैं तो ई हमारा टॉप पे स्टैक में आ जाता है, ये पुश ऑपरेशन है। उसी तरीके से जब हम लोग पॉप ऑपरेशन करेंगे, तो पॉप ऑपरेशन में जो डेटा एलिमेंट हम लोग रिमूव करेंगे वो होगा ई, उसके बाद फिर डी, फिर सी, फिर बी, सबसे लास्ट में ए। ये हमारा पॉप ऑपरेशन है, जिसको हम लोग पिक्चर के थ्रू देखने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। आप ये सारे नोट्स आप एग्जामिनेशंस के लिए नोट डाउन कर सकते हैं, ये काफ़ी वैल्यूएबल हैं। ये सारे डायग्राम्स पिक्चर्स आपके एग्जामिनेशंस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होंगे, दैट विल गिव मोर मार्क्स इन ए स्टैक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। स्टैक इम्प्लीमेंटेशन की अगर हम लोग बात करें, तो स्टैक इम्प्लीमेंटेशन हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। वी कैन इम्प्लीमेंट डेटा स्ट्रक्चर थ्रू एरे इम्प्लीमेंटेशन, विच इज़ फिक्स्ड स्टैक इम्प्लीमेंटेशन, और दूसरा वी कैन इम्प्लीमेंट स्टैक यूजिंग सिंगल लिंक लिस्ट, विच इज़ डायनेमिक इन नेचर। सो दिस इज़ द ब्रीफ वीडियो ऑफ स्टैक डेटा स्ट्रक्चर थ्योरी, जहाँ पे हम लोगों ने ये देखने की कोशिश किए हैं कि क्या क्या चीज़ हमें स्टैक डेटा स्ट्रक्चर में देखना है। उसके अलावा इंट्रोडक्शन में हमने तीन चीज़ों को देखा, उसके बाद हमने स्टैक के बारे में रियल मीनिंग को देखा डायग्राम पिक्चर के थ्रू, उसके अलावा डेटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशंस को देखा, कैसे ये पुश और पॉप हो रहा है, ऑब्जेक्टिव जिसमें फर्स्ट इन लास्ट आउट एंड लास्ट इन फर्स्ट आउट को हम लोगों ने देखा। उसके साथ साथ एक एग्जांपल के थ्रू भी समझने की कोशिश किए कि स्टैक कैसे काम कर रहा है। फिर हमने कंपेयर किया स्टैक और क्यू को। ये सारे डेटा जो हैं, ये सारे थ्योरी जो हैं आपके स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के बारे में काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो इसे आप यूज़ कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशंस थ्योरी नोट्स के लिए। हमने एक इसके एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स का वीडियो डाला है, साथ में एक
प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के भी वीडियो डाला है, उसको भी आप देखें, उसको भी व्यू करें। दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू द स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। यहाँ पे पुश ऑपरेशन, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये पुश ऑपरेशन, इससे पहले वाला पॉप पुश ऑपरेशन को हमने इम्प्लीमेंट किया था एक पिक्चर के थ्रू, और ये पॉप ऑपरेशन है। पॉप ऑपरेशन में कैसे डेटा रिमूव हो रहा है इसके बारे में मैंने बताया आपको, और स्टैक इम्प्लीमेंटेशन कितने तरीके से कर सकते हैं वो मैंने आपको समझाया। स्टैक इम्प्लीमेंटेशन में एरे इम्प्लीमेंटेशन हमारा स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन होता है, इसमें हमें हमेशा डेटा को शिफ्ट करना पड़ता है, और सिंगल लिंक लिस्ट हमारे डायनेमिक इम्प्लीमेंटेशन है स्टैक को। तो आई थिंक आपको इस वीडियो के थ्रू समझ में आया होगा कि स्टैक डेटा स्ट्रक्चर क्या है, उसके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्या हैं, और कैसे ये काम करता है, कैसे कितने ऑपरेशंस हैं इसमें। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो दोस्तों, तो निश्चित आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इससे आपको हमेशा कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो भी एकेडमिक प्रोग्राम एवं थ्योरेटिकल जो भी वीडियो होंगे वो आपको अपने आप नोटिफिकेशन के द्वारा मिल जाएगा। तो अगेन आई वांट टू से थैंक टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, वेलकम।